आप एक क्रिकेट कमेंटेटर बनते हो और हर जगह में आपकी आपके आपकी जो वाणी है उसके वजह से आपको आमंत्रित किया जाता है। ये बहुत बड़ी योग्यता है अगर देखा जाए तो। चंदू जी पाटिल, चंदू, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे आदिश दोस्त एक यहाँ पे आए हुए, विष्णु नायडू, पुल के एक जमाने के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे। पुल अगर वे मारते थे तो सीधी गेंद सिक्सर के लिए चली जाती थी स्क्वायर लेग और मिड विकेट में। तो एक से एक नाम कमाए हुए क्रिकेट के सितारे हैं इस दुनिया में, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहरहाल यहाँ पे जीके वेंचर्स नवी मुंबई बनाम विक्रोलियंस विक्रोली के दरमियान यहाँ पे खेल की शुरुआत होने जा रही है। जीके वेंचर्स नवी मुंबई के संगनायक ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है विक्रोलियंस विक्रोली को यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए। दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज मैदान के बीच में गए हैं। विक्रोलियंस को यहाँ दिलीप जी पाटिल जी महागुरु है हमारे टेनिस क्रिकेट विश्व के, उनका यहाँ पे आगमन हुआ है, उनका यहाँ पे यथोचित सम्मान किया जा रहा है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से, जो कि इस प्रतियोगिता के आयोजक है। दिलीप जी पाटिल जी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। और दिलीप पाटिल जी से हमारे नवी मुंबई के हम सभी क्रिकेट कॉमेंटेटर ने बहुत कुछ सीखा है। एक बहुत ही उमदा आवाज दिलीप जी पाटिल जी की, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी पाटिल जी यहां पे आने के लिए। तो जीके वेंचर्स नवी मुंबई की जो टीम है, इन्होंने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है विक्रोलियंस विक्रोली को यहाँ पे क्षेत्ररक्षण के लिए। गिरीश कोचरेकर को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। काफी बड़ा अनुभव है गिरीश कोचरेकर के गेंदबाजी के पीछे, बहुत ही अच्छे सक्षम खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के। और ये जो जीके वेंचर्स नवी मुंबई की टीम है, ये पांडुरंग खिल्लारे और हमारे अजीज दोस्त जो है उनकी ये टीम है, किरण नाइक इनकी ये टीम है और इन दोनों ने बनाई हुई ये बल्लेबाजी करने वाली जीके वेंचर्स नवी मुंबई की टीम और विक्रोलियंस विक्रोली की टीम को आप जानते हो। कैप्टन कुल अमोल म्हात्रे आजकल क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन क्या नाम कमाया है अमोल म्हात्रे जी ने अपने जिंदगी में, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब इस प्रतियोगिता की शुरुआत होने जा रही थी, एम्पायरों से मेरी सलाह मशवरा हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि सचमुच सर 30-32 सालों में एक ही खिलाड़ी देखा है हम लोगों ने जिनका नाम है अमोल म्हात्रे, क्या जबरदस्त ये खिलाड़ी, कभी भी एम्पायरों से तू तू मैं इस खिलाड़ी ने नहीं की और हमेशा रिस्पेक्ट दिए हर खिलाड़ी को, एम्पायर को और क्रिकेट को, उन्हीं का नाम है अमोल म्हात्रे। इसीलिए सर इस नाम से अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में अमोल म्हात्रे जाने जाते हैं। खेल की शुरुआत होने जा रही है, विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों से चिपके हुए है, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट और एक मिड ऑफ, ये ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण यहाँ पे नजर आ रहा है। एक शॉर्ट फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर की जानब, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन और एक डीप मिड विकेट यहाँ पे रखा हुआ है। तो गिरीश कोचरेकर दायनाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने है बल्लेबाज हरीश और पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे और प्रकाश विभूति सर अपने बाएं फैला कर इशारा कर रहे हैं। हालांकि टपक खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ रही थी, काफी ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई और एम्पायर का निर्णय आया वाइड का। इस तरीके से एक रन अतिरिक्त खाते में, इस एक रन के साथ कुल स्कोर है जीके वेंचर्स नवी मुंबई का। टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवरों का ये मुकाबला धर्मवीर आनंद चषक 2021 का यहाँ पे आज का शायद ये अंतिम मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। कल जो मुकाबले यहाँ पे हुए थे ग्रामीण में, उसमें स्पीड अप करिए सर प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है। पलक 11 कोपरखेरने की टीम ने इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, तो एकमात्र टीम है पलक 11 कोपरखेरने की और किरण 11 शिरोवने की टीम ने, ओपन की टीम ने आज जो सुबह मुकाबले खेले गए थे उसमें सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। फिर एक मरतबा गिरीश कोचरेकर दायनाथ से ओवर द विकेट,
स्टंप के नजदीक से गेंद की हुई, लेकिन काफी ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, काफी ज्यादा समय मिला, गेंद को पुल कर दिया है और लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है। एक बाउंस के बाद 4 रन। हेलो हरीश मैन फ्रॉम खारदांडा, बहुत ही उमदा क्रिकेट के खिलाड़ी है, देखते हैं आज किस तरीके के बल्लेबाजी करते हैं। उनके सामने है गिरीश कोचरेकर, एक काफी अनुभवी खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के, पवेलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। धवल कुलकर्णी, आदरणीय राजन जी विचारे जी जो कि आज सम्माननीय सांसद है हमारे, अब एकनाथ जी शिंदे सर, ये सभी आदरणीय मेहमान यहाँ पे मौजूद रहने वाले, जो बख्शीश वितरण समारंभ होगा, इंडिया के लिए क्रिकेट खेली है तो ये सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ चंदू शेट्टे है, ये गेंद डॉट गई, कोई भी रन नहीं बना। फिर एक मरतबा गिरीश कोचरेकर दाएं हाथ से ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, एम्पायर से नजदीक से गेंद उन्होंने फेंकी, इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को ड्राइव कर दिया था, गेंद मिड विकेट रीजन में गई, उस ओर क्षेत्ररक्षक है उन्होंने गेंद को उठाया और एक रन की वृद्धि हुई। अब दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहां पे बदले। अब स्ट्राइक में आकाश, आकाश झांझीर घाटकोपर के खिलाड़ी है और चंदू शेट्टे भी घाटकोपर से ताल्लुक रखते हैं, भटवाड़ी से, और ये चले गिरीश कोचरेकर दायना से ओवर द विकेट। काफी ज्यादा ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को बैकफुट पर जाके पुल कर दिया, पावरफुल पुल और बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये लंबा सिक्सर डीजे। थैंक यू। ये मिकी माउस जो है, इन्होंने धमाल किए पहले ही दिन से यहाँ पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और क्या जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आकाश और हरीश, दोनों के दरमियान अब तक 12 रनों की साझेदारी यहाँ पे हुई है। ये चले गिरीश कोचरेकर दानिया से ओवर द विकेट, ये लेंथ गेंद थी और इस मरतबा इस गेंद को मिड ऑन रीजन में खेला, बिल्कुल जमीन को चूबती हुई गेंद सरपट निकल गई थी मिड ऑन रीजन में, वहां पे कोई भी रन नहीं बना, वहां के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, जिसके लिए जाने जाते हैं गिरीश कोचरेकर, उस अंदाज में यहां पे गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे, बहुत ही अच्छी स्विंग गेंदबाजी करते हैं ये गिरीश कोचरेकर दानियात से ओवर द विकेट पवेलियन छोर से। इस मरतबा इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला है, घुटने के बल पे बैठते हुए खेला हुआ है स्ट्रोक, एक रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में, ओवर की समाप्ति हुई है, एक ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ है, कुल स्कोर है 13 रन। चंदू यहाँ पे अगर देखा जाए तो गिरीश कोचरेकर जिसके लिए जाने जाते हैं उस तरीके की गेंदबाजी करने में असफल रहे, क्योंकि दो गेंदें हमने देखी ओवर पिच उन्होंने फेंकी और उसके ऊपर चौके, एक छक्का और एक चौका आया है। नक्की सर, मी म्हणेल चांगली सुरुवात झाली या ठिकाणी जेके वेंचर्स या टीमसाठी, कारण आकाश आणि हरीश, आकाशची एक वेगळा फलंदाजीचा बाज आहे, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक ते खेळतात, आणि दुसऱ्या बाजूला हरीश यांच्या बॅटिंगचं वैशिष्ट्य आहे की वेगळे स्ट्रोक खेळतात, कल्पक स्ट्रोक खेळतात, आणि दोघांनीही गिरीशच्या गोलंदाजीचा म्हणजे बऱ्यापैकी समाचार घेतलाय। 13 धावा म्हणजे एक चांगली सुरुवात झाली, आणि विकेट न गमावणं पॉवर प्लेमध्ये, आणि 13 धावा गिरीशसारख्या गोलंदाजाच्या विरुद्ध करणं, म्हणजे पहिली ओवर जर आहे ती जेके वेंचर्सकडे गेली आहे, परंतु विक्रोलियन्स कमबॅक करणारी टीम आहे, पहिलं षटक मात्र जेके वेंचरच्या बाजूने। बिलकुल सही बात आपने छेडी आहे, क्योंकि ये अंतिम सत्र चल रहा है इस आज के दिन का, और अंतिम सत्र में जितनी ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पे अर्जित करेंगे जीके वेंचर्स नवी मुंबई की टीम, उतना उनके लिए, उनके गेंदबाजों के लिए अच्छा अवसर यहाँ पे होगा। दूर वाले छोर से यानी कि गांव वाले छोर से गेंदबाजी में यहाँ पे कमल मोरिया को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, मैन फ्रॉम विक्रोली कमल मोरिया, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट या ऑफ साइड का क्षेत्र, एक मिड ऑफ रखा हुआ है 30 गज के दायरे के अंदर, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस मरतबा गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को पुल कर दिया, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। तो इस तरीके से 4 रन
यहाँ पे आए हैं, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 17 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का यहाँ पे मन बना लिया है जीके वेंचर्स नवी मुंबई की टीम ने। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई दोहराय नहीं है। अपने दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज, हालांकि कमल मोरिया गेंदबाजी कर रहे हैं। दूर वाले छोर से बाएं हाथ से राउंड द विकेट स्पिन आक्रमण यहाँ पे लगाया हुआ है विक्रोलियंस विक्रोली के संगनायक द्वारा। मंगेश वैती काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का। इस मरतबा फिर एक मरतबा अंदर आती हुई गेंद और इस गेंद को स्वीप कर दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, उस ओर क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया विकेटकीपर के पास। तब तक एक रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। क्रिकेट में ना केवल छक्के चौके आना बड़ी बात होती है, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करना भी उससे भी बड़ी बात होती है। क्योंकि जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हो तो जब जो गेंदबाजी गेंदबाज करते हैं उनको अपनी जो लाइन है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, और यही काम यहाँ पे बखूबी कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज हरीश और आकाश। आकाश जो कि एक छक्का और एक चौके के सहायता से 12 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस पर तो लेग ब्रेक होती ही गेंद देखते बैठ गए बल्लेबाज छोटे कद के हरीश, और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया, कोई भी रन नहीं बना। फिर एक मरतबा दो तीन कदमों का बॉलिंग रनअप है गेंदबाज कमल मोरिया का बायां से राउंड द विकेट। फिर एक मरतबा ये गेंद बिल्कुल सीधी गेंद रखी थी, इसमें कोई घुमाव नहीं था, और इस बार नीचे रहती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बाकी का तमाम का विकेट पर ने किया। स्कोर अभी भी 18 के कुल योग पे अटका हुआ। जीके वेंचर्स नवी मुंबई का टॉस जीतने के बाद पहली मरतबा बल्लेबाजी करते हुए, अब दोनों भी बल्लेबाज आपस में कुछ कानाफूसी किए और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज हरीश। फिर एक मरतबा ये गेंद इस मरतबा अंदर की तरफ ले आए थे गुडलैंड स्पॉट में, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी स्पिन होके, अच्छा उछाल प्राप्त किया था, डॉट गेंद खेली है हरीश ने। जब जब भी बल्लेबाज डॉट गेंद खेलते हैं, बिंदी गेंद खेलते हैं, तब तब उनके ऊपर दबाव जो है ये बढ़ जाता है। फिर एक मरतबा कमल मोरिया, और इस मरतबा गेंद हवा में गई थी, कवर के क्षेत्ररक्षक मेरे ख्याल से सूरज जो है उसकी सीधी रोशनी उनके आंखों के ऊपर आ रही थी, क्योंकि अस्त होने में थोड़ा ही समय रहा है सूरज का, और इसलिए गेंद ठीक तरह से वहां के क्षेत्ररक्षक को दिखाई नहीं दी। दो ओवरों की समाप्ति हुई है, हालांकि कमल मोरिया के पहले गेंद के ऊपर चौका जड़ा था, उसके बाद आकाश ने उसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी की है। इस ओवर में उन्होंने 6 रन खर्च किए और हालांकि कोई सफलता प्राप्त नहीं की, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सटीक और सदी हुई गेंदबाजी यहां पे कमल मोरिया ने की। चंदू जी नक्कीच सर, या ठिकाणी आपण पाहू शकता पहिले दोन बॉल जे होते ते लेग स्टंप मिडल स्टंपवर टाकले होते, लेनच्या थोडेसे पाठी टाकले होते, त्याचा आकाशने फायदा घेतला, पहिल्याच बॉलवर चौकार लगावला, परंतु तदनंतरचे 4ही बॉल त्याने ऑप्टमच्या बाहेर टाकले, 1 फूटवर बाहेर टाकले, टप्पा जो आहे तो लेंथवर घेतला, तिकडनं कधी वळवताना किंवा कधी सरळ टाकताना पाहायला मिळाले, म्हणजे जो टप्प्याचं परिवर्तन त्यांनी केलं आणि त्याचा फायदा त्यांना या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाला। आणि उत्तरार्ध जर पाहिला तर मात्र कमल मौर्य म्हणजे ही खेळपट्टी केवळ फास्टरसाठी आहे का तर नाही, ती स्पिनर साठी देखील आहे हे दाखवून देत आहेत, तर ही खेळपट्टी केवळ बॅट्समन साठी आहे का नाही, ती बॉलर साठी देखील आहे ते देखील दाखवून देत आहेत सर। बिल्कुल, अगर आप गेंदबाजी करते हो, आपके गेंदबाजी में मिश्रण होता है, तो निश्चित रूप से बल्लेबाजों के लिए आप परेशानी खड़ी करते हो, इसमें कोई संभावना नहीं है। गेंदबाजी में बदलाव यहाँ पे हो रहा है, पहला ओवर यहाँ पे फेंका था गिरीश कोचरेकर ने, उनकी जगह पे यहाँ पे गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए सिराज को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। बैवलियन छोर से काफी ज्यादा बाहर की तरफ फेंक दी ये गेंद सिराज ने, और एम्पायर प्रकाश उपित्य सर इशारा कर रहे हैं वाइट का, इस तरीके से स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 20 रन। कमल मोरिया ने बहुत ही उमदा गेंदबाजी की थी दूसरा ओवर पावर प्ले का, ये गेंद आने का इंतजार किया और इस गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 21 रन।
रमेश भाई इनकी तरफ से अगर सीधी गेंद पैवेलियन के तरफ आती है, पैवेलियन में लगती है और सामने जो साइड स्क्रीन है उसको लगती है, तो ₹1,000 का पारितोषिक उस बल्लेबाज को दिया जाएगा। ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गया और बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेला। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक तैनात है, उन्होंने सीमा रेखा से 4 गज अंदर गेंद को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा हुआ कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 22 रन जीके वेंचर्स नवी मुंबई का। किरण नाइक और पांडुरंग खिल्लारे की यह टीम है जीके वेंचर्स नवी मुंबई। फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फिर एक बार गेंद आने का इधर क्या और खतरा बन सकता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा थ्रो गलत रहा और 1 रन यहां पे अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी तेजी के साथ निकल पड़े थे स्ट्रोक खेलने के बाद यहां पे हरीश, और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 23 रन जबकि ये तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पे, लेकिन काफी अच्छा नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे संजय सिराज, माफ करिए। ये गेंद इस पर दबा खेलना चाहते थे कवर रीजन में, गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और गेंद गई गली रीजन में जहां पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया। अब यहां पे बड़े स्ट्रोक खेलना पड़ेगा, अपनी जो गाड़ी है इसे चौथे गियर में दौड़ाना पड़ेगा जीके वेंचर्स नवी मुंबई को, क्योंकि विक्रोलियंस विक्रोली की जो बल्लेबाजी का क्रम है ये काफी सक्षम और 9 नंबर तक है, तो इसलिए जीके वेंचर्स नवी मुंबई के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पे अर्जित करने होंगे। अभी भी इस तीसरे ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है। अब तक इस ओवर को काफी नियंत्रण के साथ फेंका है गेंदबाज सिराज ने दानिया से ओवर द विकेट। ये गेंद बिल्कुल सीधी फेंकी हुई गेंद थी, नीची रहती हुई, गति में परिवर्तन किया था और इस पर दबा रन आउट हो गए बल्लेबाज हरीश। देखिए हरीश ने यहां पे 1 चौका जरूर मारा लेकिन काफी ज्यादा गेंदे उन्होंने बिंदी यहां पे खेली, 5 गेंदे उन्होंने यहां पे बिंदी खेली, तो इस तरीके से यहां पे ये पहला झटका पहुंचा है। और चंदू जी कोई भी बल्लेबाज जब बिंदी गेंदे खेलता है एक छोटे फॉर्मेट में तब दूसरे जो साथी खिलाड़ी होते हैं इनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। नक्कीच तो दबाव वाढतो आणि ते या ठिकाणी पाहायला मिळालं, कारण सुरुवात चांगली केली होती परंतु कमल मौर्य यांनी त्यांच्याविरुद्ध एक रणनीती बनवली, तीच रणनीती आता देखील या ठिकाणी पाहायला मिळाली। आणि आता जर पाहिलं तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये धावसंख्येचा वेग वाढवावा लागेल, सुरुवात जर पाहिली तर चांगली झाली होती परंतु तदनंतर मागील 2 ओव्हरमध्ये धावसंख्येला जो लगाम घालण्याचा प्रयत्न आहे तो गोलंदाजांकडून यशस्वी झाला। बिल्कुल जिस तरीके का क्षेत्ररक्षण यहाँ पे सजाया गया है उसी तरीके की गेंदबाजी विक्रोलियंस विक्रोली के गेंदबाज यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी लाइन और दिशा के साथ कसी हुई सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। वहां पे जो ब्लैक हमारे बॉन्डलैंड के पार जो कपड़ा लगाया उसके ऊपर पैर मत लगाइए, मेरे आपसे गुजारिश है उसको नीचे मत करिए प्लीज सर। और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद हवा में गई और आकाश जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने अपना संतुलन खोया और वे आउट होकर वापस जा रहे। इस तरीके से तीसरा झटका पहुंचा है यहाँ पे जीके वेंचर्स नवी मुंबई के टीम को, जबकि उनके टीम का कुल स्कोर है 24 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है। जिस तरीके से चंदू जी से मैं बात छेड़ रहा था कि जब जब भी बिंदी गेंदे कोई भी बल्लेबाज खेलता है तब दबाव जो है ये दूसरे खिलाड़ियों पे आता है, और उसी तरह से हुआ जब बिंदी गेंदे होती है तब क्षेत्ररक्षण जब कसी हुई क्षेत्ररक्षण करते हैं कसी हुई गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं क्षेत्ररक्षक, तब बल्लेबाज सोचते हैं कि कोई बड़ा प्रहार किया जाए और इसी अंदाज में वे आउट होकर वापिस चले जाते हैं पैवेलियन की तरफ। सही में मेड फॉर ईच अदर ये जोड़ी है, A1 जोड़ी मैदान के बीच में अपने करतूत बताते हुए मैदान के बीच में। नए बल्लेबाज गए हैं मैदान के बीच में, प्रथमेश मैन फ्रॉम मुंबई परेल के ये खिलाड़ी है
और देखते हैं अब लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है यहाँ पे जीके वेंचर्स नवी मुंबई की, उसको किस तरह से संवारने में ये सफल हो पाते हैं। अभी भी ओवर की समाप्ति हुई है और जैसे ही यहाँ पे चौथा ओवर प्रगति पे हो, आइए मुंबई के मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर चंदू शेट्टी। धन्यवाद सर। या ठिकाणी आपण पाहू शकता म्हणजे क्रिकेट हा सांघिक खेळ आहे, म्हणजे एकाकडनं चुकी झाली तर बाकीच्यांनी त्यांना सावरून घ्यायचं असतं। गिरीश 13 रन आले, परंतु सिराज आणि त्या कमल मौर्य दोघांनी देखील मागील दोन ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी केली, धावसंख्येला लगाम घालण्याचं काम त्यांनी केलं, परंतु दोन ओव्हर अजूनही बाकी आहे। मैदानाच्या आतमध्ये समर पारच्या म्हणजे पिंटू पारच्या स्ट्राईकवर आहेत, म्हणजे जे टेनिस क्रिकेट विश्वातील सर्वात जड बॅट जर कोण वापरत असेल तर त्यांचं नाव आहे पिंटू पारच्या। आणि दुसऱ्या बाजूला प्रथमेश बेलछेडा, दोन ओव्हर अजूनही बाकी आहेत सर। दोन ओव्हरमध्ये जरी रन आल्या, सकाळी 47 ची मॅच बनली होती, तर आता तिथपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल। या वेळेला समोरच्या दिशेने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय। हो, मी पिंटू पारचा आलोय नवी मुंबईत, घ्या एक मोठा फटका। हेच क्रिकेट आहे, कधी ऊन कधी पाऊस कधी चढ कधी उतार या क्रिकेटच्या खेळात पाहायला मिळतात। कधी गोलंदाज कधी फलंदाज, सुरुवात जर पाहिली तर ती फलंदाजांच्या बाजूने झाली होती, तदनंतरच्या दोन ओव्हरमध्ये ती गोलंदाजाच्या बाजूने गेली, चौथ्या सर्व या ओव्हरला सुरुवात होते, पुन्हा फलंदाज आता अधिराज्य गाजवतील। 11 बॉल अजूनही बाकी आहेत, धावसंख्या कुठे जाईल ते पाहावं लागेल, कारण धावसंख्या 30 पोहोचली आहे। आणि प्रथमेश बेलछेडा किंवा पिंटू पारच्या ही टेनिस क्रिकेटमध्ये त्यांनी याही अगोदर स्वतःला सिद्ध केलं आहे। पिंटूचा अगदी इकडेच नाही तर अगदी आखाती देशांपर्यंत देखील या पिंटू पारच्याच्या नावाची चर्चा आपल्याला पाहायला मिळाली आहे। तर या ओव्हरमध्ये कमल मौर्य कमबॅक करणार का, कारण अगोदरच्या ओव्हरमध्ये कमल मौर्य यांची फिरकी गोलंदाजी या ठिकाणी चालली होती, त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीचे चेंडू देखील टाकले होते कमल मौर्य। याही वेळेला आक्रमण, याही वेळेला हल्ला, याही वेळेला बॉल जाईल सीमा रेषापार, षटकार। अख्ख्या महाराष्ट्राला झिंगाट करायला लावणारा सैराट, आणि या सैराटचं गाणं आमची A1 जोडी या त्यावर नृत्य करत असताना, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये धुमाकूळ घालत आहेत समर उर्फ पिंटू पारच्या। बॅक टू बॅक दोन षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलेत। यावेळेला जर पाहिलं तर ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू टाकला जातोय, थोडंसं दूर मागील दोन चेंडू जर पाहिले तर स्लॉटमध्ये होते आणि चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळेली। कमल कमबॅक करतायत, हे वैशिष्ट्य आहे त्यांचं। स्कोर जर पाहिलं तर 36 आहे, चौथं षटक मार्गस्थ असताना विक्रोलियनसाठी कमल। ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता, यावेळेला कव्हरच्या दिशेने खेळलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी मार्गस्थ होत आहेत, बॉल अडवण्याचा प्रयत्न, रेस लागली होती दोघांची, परंतु रेस जिंकली आहे बॉलने, बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे, 4 धन्यवाद। तर 40 ही धावसंख्या पोहोचली, यालाच क्रिकेट म्हणतात। एखाद्या षटकामध्ये रन कमी येणे किंवा एखाद्या षटकामध्ये खूप साऱ्या धावा येणे, तेच या ठिकाणी पाहायला मिळालं। कमलवर आक्रमण करतायत, पिंटू पारच्या आक्रमक झालेत। अनोखी बॅटिंगची शैली, मला वाटत नाही अशा शैलीचा फलंदाजी करणारा बॅट्समन क्वचितच असतील। पिंटूची यांची ती शैली आव्हान देतात गोलंदाजांना। ओहो, परंतु या वेळेला जास्त सफल झाले होते, कमल यांनी त्यांना फॉलो केलं, आणखीन एक चांगला चेंडू येताना पाहायला मिळेल। 40 थांबलेली धावसंख्या पाहायला मिळते, पिंटू आणि कमल यांच्यातील युद्ध रंगले। 3 चेंडू मैदानाच्या बाहेर टोलावले, 2 चेंडू निर्धाव टाकले गेले, म्हणजे 2 वेळा कमल देखील सरस झालेत। चांगली रणनीती दोघेही बनवतायत एकमेकांच्या विरुद्ध, पिंटू विरुद्ध कमल।
ओहो लांब 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 लचक पटका येतोय पिंटू पारचा चटका. ज्या खेळाडूच्या नावावर चार वेळा सहा चेंडूत सहा षटकार मारण्याचा विक्रम आहे आज देखील जर पाहिलं तर त्यांची बॅट या ठिकाणी बोलायला सुरुवात झाली आहे. विचारे सर काय म्हणाल ज्या पद्धतीने पिंटू बॅटिंग करतायत. देखिए चंदूजी पिंटू पारचा इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्फोटक खिलाड़ी है, लेकिन ज्यादा चर्चा पिंटू पारचा की यह रहती है कि उनका टांग देखिए पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आके खड़े रह जाते हैं. तब गेंदबाज जो है इसके मन में दुविधा रहती है कि अगर गेंदबाजी की जाए तो कहाँ की जाए. सचमुच इतनी बेहतरीन आक्रामक स्फोटक बल्लेबाजी वे कर रहे हैं. आज यहाँ पे पूरे फ्लो में नजर आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं चंदू जी, क्योंकि गेंद जो है ये पिंटू पारचा के बल्ले के बीचों बीच लग रही है. एका चांगल्या आत्मविश्वासाने मैदानात गेले आणि पहिल्या बॉलपासून ते आक्रमण ते करताना पाहिलं. मी तर ऋषी लोखंडे येत आहेत गोलंदाजी करण्यासाठी. ऋषी लोखंडे विक्रोळी कन्नमोर नगरचे एक युवा गोलंदाज आहेत. समोर जर आव्हान प्रथमेश बेलछडा आणि पिंटू पारचा यांचं आहे आणि स्कोर जर पाहिलं तर 46 वर गेलाय आणि मागील षटकात जर पाहिलं तर धावा आल्या तब्बल 22 धावा आल्या. हेच क्रिकेट, यालाच क्रिकेटचा खेळ म्हणतात. एखाद्या क्षणात नक्कीच गणित बदललं जातं. धर्मवीर आनंद दिघे चषकाचं देखील तेच वैशिष्ट्य आहे. या वेला फुल टॉस बॉल, त्याला खेळला समोरच्या दिशेने, आणखीन एक चांगला फटका परंतु अडवला जातोय. पिंटू स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवतात का परंतु दुसऱ्याही धावेचा प्रयत्न केला जातोय. धावसंख्या 2 पुढे जाताना पाहिलं मिळेल. 48 धावा धावफलकावर होताना पाहिलं मिळतील. क्रिकेटचा हा अद्भुत खेळ, लाजबाब खेळ आज नवी मुंबई नगरी पाहते आणि याला पाहण्यासाठी नवी मुंबईचे क्रिकेटचे चाहते खूप मोठ्या संख्येने गर्दी करतायत. उद्या देखील या ठिकाणी मात्र खूप मोठ्या संख्येने गर्दी आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु आज विक्रोलियन्स विरुद्ध जीके वेंचर्स. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, चांगला बॉल होता, त्याला मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. तिकडे एक धाव मिळेल. गिरीश कोचरेकर आले चेंडूवर आणि एका धावीने धावसंख्या पुढे जाते, ती म्हणजे 49 धावांवर. सुरुवात जर पाहिली तर पहिलं षटक गोलंदाजा फलंदाजांच्या बाजूने, तदनंतरची 2 षटकं जर पाहिलं तर गोलंदाजांच्या बाजूने, चौथं षटक पुन्हा फलंदाजांच्या बाजूने आणि आता 5वं षटक कुणाच्या बाजूने जात आहे ते पाहायचं आहे. धर्मवीर आनंद दिघे चषक आपण पाहतोय. प्रवीणदादा काळूराम म्हात्रे यांचं एक जबरदस्त आयोजन. ओहो यावेळेला ऋषी थांबवतायत फलंदाजांना, म्हणजेच या ठिकाणी पिंटू पारचा यांना आपण पाहतोय, त्यांना थांबवलं. आणि एक युवा गोलंदाज आहेत, स्वतः शिकतायत, काही ना काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतायत. मोठ्या मंचावर मोठ्या टीमकडून खेळतायत अमोल म्हात्रे आणि कंपनी, म्हणजेच विक्रोलियन्सला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. तर चांगली लढत ही देखील होऊ शकते कारण दोन्ही संघ समान ताकदीचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पांडुरंगजी खिलारे यांची टीम आपल्याला पाहायला मिळते, जे के वेंचर्स गणेश कृपा, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर विक्रोलियन्सला आपण पाहतोय. ऋषी ओहो आणखीन एक चांगला चेंडू परंतु रन घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. एक रन घेतली गेली, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होणार का, तो प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय. खेळाडू धावबाद तर मात्र होताना पाहायला मिळतील, परंतु कोणते खेळाडू धावबाद होतील तेही या ठिकाणी आपल्याला पंच कळवतील. तिसऱ्या पंचांकडे कोणता खेळाडू बाद आहे यासाठी पडताळणी करण्यासाठी पाठवण्यात. कोणता खेळाडू बाद आहे हे पडताळतील आमचे तिसरे पंच संजय सावंत सर. पंचांचा निर्णय येतोय, पिंटू पारचा आउट आहेत.
तर सात बॉल मध्ये 22 धावांची खेळी करून आपल्या टीमला सन्मानजनक स्थितीमध्ये येऊन माघारी परतत पिंटू पारच्या जबरदस्त फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक त्यांनी आज या ठिकाणी दाखवलं. परंतु मोक्याच्या क्षणी धावबाद झालेत. खूप चांगला खेळ त्यांनी या ठिकाणी केलाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळतील ते म्हणजे चिन्मय कदम, श्रेयस कदम यांचे बंधू आणि त्यांच्या जोडीला प्रथमेश बेलछेडा यांना पण मैदानात पाहतोय. पुन्हा एकदा ऋषी लोखंडे चांगला फटका येताना पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल अडवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चेंडूची फेक, दुसरी रन देखील घेतली जाते. चपळता दाखवली गेली आणि बघता बघता धावसंख्येने 50 ही ओलांडली आहे. 52 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत. सुरुवात जर पाहिली तर चांगली झाली, तर नंतर पुन्हा अडखळली आणि आता पिंटू पारच्या यांनी या बॅटिंगच्या जोरावर पुन्हा ती बोलायला देखील लागली आहे. परंतु 50 किंबहुना 50 जर पुढे मागे धावसंख्या असेल तर चांगली मॅच होऊ शकते सर. आणि जे आपण सकाळच्या सत्रात देखील पाहिलंय, नवी मुंबईला क्रिकेटची खूप मोठी परंपरा आहे. ग्रामीण क्रिकेट खेळता खेळता इकडले खेळाडू आता आखाती देशांचे दौरे करू लागलेत आणि या ठिकाणचं क्रिकेट देखील जर पाहिलं तर एक वेगळ्या उंचीचं पाहायला मिळतं. फुलटॉस बॉल, त्याला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होताना पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. मयूर भोईर त्या ठिकाणी होते. जबरदस्त क्षेत्ररक्षणाचा नजारा दाखवला. 4 रन तर आपल्या टीमसाठी नक्कीच वाचवलेले आहेत. हे करावं लागतं. तुम्ही बॅटिंगने जिंकू शकता म्हण, तुम्ही बॉलिंगने जिंकू शकता म्हण, तुम्ही फिल्डिंगने देखील म्हण जिंकू शकता. आज मात्र मयूर या ठिकाणी दाखवत आहेत. स्कोर जर पाहिला तर 54 झालाय. 55 धावांची आवश्यकता. ज्या पद्धतीने हा बॉल अडवलाय, पुन्हा एकदा फॉर्च्युन इव्हेंटची टीम या ठिकाणी या बॉलला कॅप्चर केलं. त्यांनी बॉलला पा संपूर्णपणे हवेत होते आणि मी माझ्या टीमसाठी ही जी जंप मारली होती ना ती टीमसाठी होती आणि या जंपने 4 रन वाचवलेले सर. नवी मुंबईचे मयूर भोईर त्या ठिकाणी होते. पहा कशा पद्धतीने क्रिकेटसाठी वाटेल ते संपूर्णपणे हवेत होते ते आणि बॉलला आतमध्ये टाकलं. खूप चांगलं कॅमेरावर कौतुक करावं लागेल कृष्णा आणि तुमच्या टीमचं देखील. और चंदूजी येई जो रन होते है जो बचाए हुए क्षेत्ररक्षक ने येई कभी कभार आपके टीम को जीत दिलाते है. तो देखते है यहाँ पे किस तरीके की बल्लेबाजी आप करते हैं. विक्रोलियंस विक्रोली के बल्लेबाज ये तो आने वाली गेंदबाजी यहाँ पे बताएगी. डीजे ने कहा कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे वो मैच को आयोजन करना क्योंकि भीड़ को हम काबू में नहीं रख सकते बेचारे. लेकिन रात का माहौल जो होता है ना वो सबसे बड़ी बात है कि जो पीने वालों के लिए अच्छा होता है. लेकिन अभी भी मैं बता रहा था कि कुछ कोने में ऐसे लोग बैठे तो मुझे एक शेर याद आया कि राम जन्म में दूध मिला, राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण ज़माने में घी, अब के ज़माने में मिल रही शराब खूब दबा के पी. वाह पसंद आ गया लगता है. पीने की आदत है, ज़रूरी है. नहीं पीते हो तो अच्छी बात है. आइए 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 ठाकुर. कितने आदमी थे, अकेले हो, आ जाइए थोड़ा बेस दे बेस. दिलीप जी
दिलीपराव तांबोळी सर यहाँ पे विराजमान है, शिवसेना संपर्क प्रमुख है पुणे के, इनका यहाँ पे यथोचित सम्मान किया जाएगा फूलों के गुलदस्ते के साथ। मिस्टर अगासकर, दिलीपराव तांबोळी जी आप अपनी तशरीफ रखिए। फार फार धन्यवाद दिलीपराव तांबोळी सर। 23, 24, 25 दिसंबर जैसे आता है महीना, शुरुआत की ओर होता है तो लोगों को याद आता है कि ये प्रवीण के जन्म दिवस की ये जो टूर्नामेंट यहाँ खेलने वाली जो टूर्नामेंट है यहाँ पे रखने वाले हैं, और उसी के सिलसिले में लोग यहाँ आते हैं, अपने खेल का लुत्फ़ उठाते हैं और तीन दिन यहाँ पे लग के कहते हैं कि क्रिकेट का एक मक्का होता है, क्रिकेट का मक्का मदीना, जैसे जो हज पे जाते हैं ना उनके लिए ये क्रिकेट का मक्का है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है विचार है कि ऐसा मैदान इस इलाके में नहीं है, नवी मुंबई में, हालांकि नवी मुंबई में पहला मैदान तुर्वे में था, रामतनु क्रीड़ा संकुल, लेकिन उसके बाद ये बहुत बहुत अरसे के बाद ये मैदान यहाँ देखने को मिल रहा है, जो चारों तरफ हरियाली है, बीच में बगल से हुई सरसराती हुई ठंडी हवा है, ठंडी हवा के झोंके भी है और देखने के मौके भी है। बिल्कुल नवी मुंबई क्या ये शान है ये मैदान, इसमें कोई संदेह नहीं है, भूमिपुत्रों ने बनाया हुआ भूमिपुत्र मैदान, और हर कोई इस मैदान की तारीफ करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिलीप पाटिल जी आपने जिक्र किया था रात की लिपलिपाती हुई रोशनी में कि तो आपकी कमेंट्री और लिपलिपाती हुई रोशनी और वो असंख्य जनसमुदाय, क्या मजा आता था जब जब भी हम लोग नाइट मैच में खास करके कॉमेंट्री करते थे दिलीप पाटिल सर जी। है वो जमाने कुछ और थे, वो जमाना क्या था, वो कहते ना कि एक जमाना वो था कि पसीना गुलाब था, अब इत्र भी डालो तो खुशबू नहीं आती, ये माहौल अलग था, चलता रहता है क्योंकि वक्त बीता है, लोग अभी कैसे कि उस वक्त हम जवान थे, आज भी जवान है लेकिन दिल से जवान है, शरीर से नहीं है, लेकिन ज़रूरी कोई बात नहीं है, ये तो जवानी दोस्तों जारी रहेगी। दानियाल से वो विकेट, पहले ओवर की पहली गेंद, और ये कमेंट्री छोर की ओर से गेंदबाजी कर रहे धीरज भोईर, ये दरवा के खिलाड़ी है और बल्लेबाज है उनके सामने, स्ट्राइक लेंगे मंगेश और नॉन स्ट्राइक एंड पे निखिल। खेल की शुरुआत देने से वो दो विकेट, बाएं हाथ से वो दो विकेट डाल और गेंद करेंगे, ये कमेंट्री छोर की ओर से पहली ओवर की पहली गेंद, हल्के हल्के कदम भरते हुए, अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी लेकिन पूरी तरह से ले नहीं पाए, मारने की कोशिश जरूर की थी लेकिन सफल नहीं हुए, और गेंद बल्ले के थोड़े अंदरूनी हिस्से में लगी, थोड़े अंदर की तरफ लगी, शायद बल्ले के निचले हिस्से में लगती तो शायद छक्का छक्का जरूर होता, लेकिन बल्लेबाज भी इतना तैयार नहीं था कि किस तरह की गेंद पहले ही झटके में आ जाएगी, लेकिन फिर आक्रमण के लिए तैयार था इन्हें, बाएं हाथ से वो दो विकेट, धीमी धीमी रफ्तार से दौड़ते हुए अंपायर की ओर इशारा जरूर था, अंपायर को उस आंच से देख रहे थे कि शायद यह वाइट बॉल हो, लेकिन उस आंच को निराश होते हुए अंपायर अपनी भूमिका में सक्षमता की भूमिका निभाते हुए, और बिल्कुल तटस्थ है ये अंपायर, क्योंकि अंपायर सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, कुछ भी हो अगर अंपायर ने उंगली उठाई काम तमाम, लगा दो हमाम, बाएं हाथ से वो दो विकेट, बहुत ही नकीदुली गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल प्रशंसनीय गेंदबाजी, नीचे सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज को देखते हुए गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज थोड़ा सा यहाँ बाद थोड़े से हिलने की कोशिश करता है लेकिन अपने नियंत्रण को हिलने नहीं दे रहे, बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है, और प्रशंसा करनी पड़ेगी सबसे बड़ी बात की गेंदबाज की, बल्लेबाज अच्छे तो है लेकिन उनकी अभी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिलहाल अच्छाई गेंदबाज की दिखाई दे रही है, बिल्कुल लाइन और नियंत्रण से भरी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहले ओवर की चौथी गेंद, बाएं हाथ से वो द विकेट, होता है क्रिकेट की, इसीलिए तो कहते हैं कि क्षेत्ररक्षण कभी गलती करता है तो कभी बल्लेबाज गलती करता है, इसी का नाम है क्रिकेट, और इस तरह से एक रन की वृद्धि टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ बगैर कोई विकेट खोए एक रन। अच्छा क्या बात है, सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से, प्रक्षेपण जो हो रहा है ये यहाँ पे भी है और प्रक्षेपण सीधा स्कोर भी है, दानियाल से वो दो विकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे माहौल में हम इस ऐसे क्षणों को देखते हैं, लेकिन ये क्षण कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यह स्कोर भी दिखाई दे रहा है, क्या बात है, बाएं से वो दो विकेट, अच्छी शॉट, चार रन,
गेंद के आने का इंतजार किया, तकनीक को अपने समेटा, बल्ले का मुंह खोला और एक पर आगे निकालते हुए बिल्कुल जैसे कहते हैं कि तकनीक, बिल्कुल तकनीक जो सचिन तेंदुलकर के रूप में आप जब क्रिकेट में देखते थे उसी तकनीक का प्रयोग करते हुए चौका जड़ दिया ऑफ साइड की दिशा में। टीम का स्कोर 5 रन। कुछ ऐसे क्षण हैं बेचारे जब तुम भी जवाब थे, हम भी जवाब थे, लेकिन क्रिकेट में तेंदुलकर जवाब थे। उस वक्त ऐसे क्रिकेट थे जब सचिन खेलने जाते थे, ये चले बाहर से वोध विकेट, 1 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है शायद, ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 6 रन। क्रिकेट में ऐसे क्रिकेट का भगवान जिसको कहते हैं तेंदुलकर, लेकिन तेंदुलकर के बारे में ये कहा जाता है कि तेंदुलकर हमेशा खिलाड़ी को, किसी गेंदबाज को कभी कम नहीं समझते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो कोई भी खिलाड़ी जब खेलने आता है तो उसको कम नहीं आंकना चाहिए। हेनरी ओलंगा जो खिलाड़ी थे जिम्बाब्वे के, उस उनके पहले मैच में आउट हुए थे, उसके बाद उन्होंने जो गुस्सा निकाला था सेकेंड सेमीतोरो के मैच में, 112 रन की पारी खेली थी सचिन तेंदुलकर ने। कुछ ऐसे किस्से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निकल के राष्ट्रीय की तौर पर आते हैं, राष्ट्र से भी इस इलाके में आते हैं, तो क्रिकेट का खेल ज़रूरी है और ऐसे किस्से बताने भी ज़रूरी है। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 6 रन और 24 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। फकीरा नाम है, फकीरा बाएं से पानी की टाकी का छोर है, वहां से वो गेंदबाजी करेंगे। एक कीर्तिमान आपको मालूम है, विराट कोहली बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उनके नाम पे एक विकेट भी है, मालूम है आपको? केविन पीटरसन टेस्ट में वो एक बार उन्होंने ऐसे मजाक में गेंदबाजी ली और मजाक में खिलाड़ी आउट हो गया, लेकिन वो इतिहास बन गया केविन पीटरसन। बयां से ओथ विकेट, पानी की टंकी का छोर, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट है ये। गेंद के आने के अंतर्गत थोड़ी ऑफसाइड की दिशा में गेंद थी, वाइट बॉल नहीं था ये, लेकिन हाफ बॉल ही जरूर थी। घुटने टेके और उस तरह से घुटने टेकते हुए ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया, 6 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन। प्रवीण की तारीफ करनी चाहिए, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अंपायर वो शायद कल वो अंपायर आएंगे ना, गोटिया साई पाटिल, एक अंपायर पिंपरी चिंचवड़ वहां पे भी है, व्हाइट बॉल सर को नीचे झुका के व्हाइट बॉल दिखा देता है, वो सर को जमीन पर, मतलब सर है ना उल्टा सर, और ये दोनों पैर यू करता है, वी के शेप में लाता है और व्हाइट बॉल बता, कैसे अंपायर है, क्या यार। चौका 4 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 16 रन। रनों की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बल्लेबाज जिस तरह से अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, थोड़ी सी गेंदबाजी थोड़ी दिशा से भटकती हुई नजर आ रही है, लेकिन बल्लेबाज थोड़े उस दिशा को अपने आप में समेटते हुए अपने बल्ले के रूप में टीम को बढ़ोतरी की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ोतरी में कामयाब भी हो रहे हैं और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ बगैर कोई विकेट खोए 12 रन। फकीरा बयास विकेट, उसी तरह का शॉट, हवा में गेंद और आउट। पहले विकेट का पतन हुआ, एक विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर है 12। बजा भाई बजा, कमेंट्री भी है, समालोचन भी है, मनोरंजन के कई साधन यहाँ उपलब्ध है। देखो दो बेचारे गुड्डे आपके सामने डांस कर रहे हैं, ये प्रवीण के भी ये दिमाग की उपज है, कुछ न कुछ करते रहते, हरकत करते रहते, बीच में कुछ न कुछ उंगली करते रहते हैं। ये प्रोग्राम में ज़रूरी है क्योंकि हंसना हंसाना ज़रूरी है ये, कि जब तक आप हंसोगे ना आप तंदुरुस्त नहीं पाओगे। ये 20वां साल नहीं, साल तो गिने ही नहीं जाएंगे, काम को गिना जाता है, साल तो निकलते जाएंगे लेकिन काम हर साल एक नया कुछ अंदाज होता है, ये सबसे बड़ी बात है प्रवीण की।
दौर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 16 एक विकेट के पतन के बाद। मैं थोड़ी देर के लिए विचार, तीन गेंदे बाकी है। इन्हें बल्लेबाज बाएं हाथ के लखन, मजबूत कंधे, ऊंचा शरीर और कंधे मजबूत, तो शायद उसी तरह की बल्लेबाजी भी करते होंगे, शायद धाकड़ बल्लेबाज अपनी भूमिका में दिखाते हुए, अभी तो देखने को नहीं मिला, लेकिन शायद इनकी ऊंचाई देखने के बाद ये धाकड़ बल्लेबाज ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। बात से लखन, आए अपनी हाजिरी लगाई और फिर वापस पवेलियन वापस। क्रिकेट में होता है कभी कभी खेल खिलाड़ी दिखा सकता है, कभी आउट होके वापस जाता है, इसी का नाम है खेल क्रिकेट। अनिश्चितों का खेल है क्रिकेट, कश्मकशों का खेल है क्रिकेट, असंभव और संभव के बीच में फंसा हुआ खेल है क्रिकेट। और देखिए अभी ऐसे लग रहा था मजबूती भरा ये बल्लेबाज है, शायद कुछ करिश्मा दिखा पाएगा, लेकिन करिश्मा दिखाने के पहले ही वो पहले गेंद पे आउट हुए। इस तरह दूसरे विकेट के पतन, दो विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर है 16 रन। पीछा तो हो रहा है, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते करते टीम के बल्लेबाज भी धराशायी हो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, संभव और असंभव के बीच का खेल है क्रिकेट। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस, तकदीर के बीच में फंसा हुआ खेल है क्रिकेट, कभी इस तरफ या कभी उस तरफ, यही है खेल का मजा लेते हुए लुफ्त उठाते हुए क्रिकेट प्रेमी। और ये नए बल्लेबाज है फरदीन, बाएं हाथ से बहुत ही उम्दा तकनीक को पूरा इस्तेमाल करते हुए हल्के से उसको फ्लिक कर दिया, एक रन की वृद्धि टीम के स्कोर में, एक और इजाफा होता हुआ फरदीन के स्कोर में, फरदीन का स्कोर बढ़ता हुआ एक रन, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन। दो विकेटों का पतन, थोड़ी सी मायूसी बल्लेबाज के खेमे में और हल्की सी खुशी क्षेत्ररक्षण यानी गेंदबाजी कर रही है उनकी टीम के सामने दिखाई दे रही है। लेकिन खुशी और सुख और दुख क्रिकेट में देखने को मिलते हैं, कभी बल्लेबाज हावी होता है तो कभी गेंदबाज हावी होता है, तो कभी बल्लेबाज छक्के चौके मारता है तो कभी गेंद बल्लेबाज छक्के चौके मारता है। बहुत ही अच्छी नकी दुली गेंदबाजी, थोड़ी टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 2 विकेट के पतन के बाद 17 रन। अभी आता कितनी चेंडू आए, आता चेंडू कितनी है, 18 चेंडू मध्ये 18 गेंदों में 38 रन की आवश्यकता। तेरे कुर्बान, ये फिल्म थी, बहुत पुरानी फिल्म ही है, 1968 की फिल्म थी ये, और ये गाने बहुत ही आजकल अमर है, लेकिन इस अमर गाने को मिक्स मतलब अलग तरह से पेश किया गया है, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ओरिजिनल। लेकिन खिलाड़ी है ये, खिलाड़ी वहाँ भी खेलते हैं, लेकिन ये डीजे भी बड़ा खिलाड़ी है, अपने हिसाब से गाने बजाता है, अपने हिसाब से उसको धुन को सेट करता है, आपके सामने पेश करता है, लोगों का मनोरंजन करता है। हंसना ज़रूरी है और साथ में हंसाना भी ज़रूरी है, दौर की समाप्ति है, तुम्हें कहना ज़रूरी है। धीरज भोईर, मैन फ्रॉम दारावे नवी मुंबई, बहुत ही उमदा गेंदबाजी करते हैं ये धीरज भोईर। बिल्कुल पॉपिन क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद थी और हल्के हाथों से गेंद को यहाँ पे खेला था और गली रीजन में गेंद गई, जहाँ पे एक रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। 17 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए विक्रोलियंस विक्रोली को 37 रन, 17 गेंदे और 37 रन चाहिए जीतने के लिए। मंगेश वैती के ऊपर सारी निगाहें लगी हुई है विक्रोलियंस विक्रोली की।
देखिए किस तरीके से यहां पे गेंद को पुल कर दिया और पावरफुल पुल, और दर्शक दीर्घा में गेंद गई मिड विकेट के ऊपर से यहां पे ये लंबा सिक्सर। इस सिक्सर के साथ स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 24 रन। मंगेश वैती जिसके लिए जाने जाते उसी अंदाज में यहां पे बल्लेबाजी कर रहे। मुलानो जरा वेगळ्या बाजूला बसा, तुमचंच मनोरंजन करतायत ते, तुम्ही फक्त तिथे मध्ये जाऊ नका। 16 गेंदे 31 रन चाहिए विक्रोलियंस विक्रोली को जीतने के लिए। धीरज भोईर गेंदबाजी कर रहे, बहुत ही बेहतरीन धारदार गेंदबाजी करते हैं ये धीरज भोईर। देखिए एक यहां पे फ्लाई स्लिप लगाए हुए, और ये कवर के बगल से खेला है और गेंद बिल्कुल सरपट निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये 4 रन। बेचारे सबसे अच्छी बात है बल्लेबाज की अकल इस्तेमाल करना, और जिस तरह की अकल इस्तेमाल अभी बल्लेबाज कर रहा है, गेंदबाज तो अच्छा है ही है लेकिन गेंदबाज को पूरा नापते हुए, उसको तोलते हुए, उसको पूरा मेजरमेंट लेते हुए बल्लेबाजी करना, ये बल्लेबाज की अपनी एक धाकड़ता होती है, अपनी एक सोच होती है, और उसके सोच के अनुसार उन्होंने एक छक्का भी जड़ दिया, एक चौका भी जड़ दिया। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जीत की ओर ले जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी इस मरतबा, ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद, हल्के हाथों से गेंद को पास में खेला बैक टू द बॉलर, अपने दाहिने तरफ जाके यहां पे गेंद को धीरज ने उठाया, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है मंगेश वैती और फरदीन, जो कि 2 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर है 29 रन, ये तीसरा ओवर प्रगति पे है और अभी भी धीरज भोईर के इस ओवर की 2 गेंदे आनी शेष है। धीरज फरदीन के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने फॉलर थ्रू में थोड़ा सा चकमा खा गए इसलिए फिर एक मरतबा तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए। फरदीन और मंगेश वैती की जोड़ी मैदान के बीच में, इस मरतबा काफी ज्यादा बाहर गेंद फेंक दी धीरज भोईर ने, और एम्पायर प्रकाश विभूतेसर इशारा कर रहे हैं वाइट का। जब आपको थोड़ी मार पड़ती है तब आपके दिशा से भटक जाते हो, और इसी तरीके का नजारा कुछ यहां पे देखने को मिला। धीरज भोईर गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फिर एक मरतबा ये लो फुल टॉस गेंद थी, और इस मरतबा इस गेंद को कवर रीजन में खेला, 1 रन दौड़ के अर्जित किया और 1 ही रन मिलेगा क्योंकि कवर के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चीते की तरह झपट्टा मार के आ रहे थे गेंद के ऊपर। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 31 रन। 2 विकेटों के पतन की बात विक्रोलियंस विक्रोली बनाम जीके वेंचर्स नवी मुंबई के दरमियान यहां पे ये मैच खेला जा रहा है। इस ओवर की अंतिम गेंद 17 गेंदे 19 गेंद 13 गेंदे और ये देखते हैं 4 रन के लिए गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। देखिए कितने सक्षम खिलाड़ी है ये मंगेश वैती। यहाँ पे जो 12वें खिलाड़ी बैठे हुए हैं जीके वेंचर्स नवी मुंबई के, जब यहाँ पे एक गेंद गई थी उसमें वे बोल रहे थे यहाँ पे कि ये जो विकेट चाहिए हमें, हमने पूछा कौन से विकेट, तो वो बोल रहे थे कि मंगेश वैती की विकेट। तो देखिए कितनी अनमोल विकेट है मंगेश वैती की, 12 गेंदे आनी शेष है और जीतने के लिए चाहिए यहाँ पे विक्रोलियंस विक्रोली को 20 रन। 12 गेंदे 20 रन यानी कि 10 रनों के औसत से यहाँ पे रन अर्जित करने होंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो रात की यहाँ पे ये जो सूरज आहिस्ता आहिस्ता अस्त होते हुए नजर आ रहा है, और 2 विकेटें गई है विक्रोलियंस विक्रोली के मंगेश वैती जैसे धाकड़ बल्लेबाज मैदान के बीच में, तो निश्चित रूप से पलटा जो है ये विक्रोलियंस विक्रोली का भारी है। लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अगर कोई खेल है तो उसका नाम है क्रिकेट, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक चलते हैं यश की तरफ। यश
धन्यवाद विचारे सर, धन्यवाद दिलीप पाटील सर देखील, कारण वर्षातून एकदा दिलीप पाटील सरांचा म्हणजे अगदी अमीन सयानी सरांच्या आवाजाकडे घेऊन जाणारा आवाज आणि एक मंत्रमुग्ध करणारा आवाज असतो आणि त्यांच्याबरोबर वर्षातून एकदा समालोचन करण्याचा योगही आम्हाला मिळतो. मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय धर्मवीर आनंद दिघे चषकाची. एका बाजूला जर पाहिलं तर जी के व्हेंचर्स आहे, दुसऱ्या बाजूला विक्रोलियन्स विक्रोळी आहे, एक टीम जर पाहिली तर नवी मुंबईची तर एक आहे मुंबईची. कोण जिंकणार ही मॅच? दोन षटक दोन विकेट माघारी परतलेले आहेत, 35 धावा झाल्यात, अजूनही दोन ओव्हरमध्ये 20 धावांची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. नवी मुंबईतील मानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा. चारी बाजूने जर पाहिलं तर सीमारेषा, प्रेक्षकांची गर्दी आणि कारण या नवी मुंबईमध्ये क्रिकेटची दर्दी आपल्याला पाहायला मिळतात. स्कोर जर पाहिला तर अजूनही 12 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता आहे. ही मॅच कोणत्याही दिशेला जाऊ शकते तर तो प्रयत्न या ठिकाणी करावा लागेल. एका बाजूला फरदीन आहेत नक्कीच शिवडी मुंबईचे खेळाडू आणि त्यांच्या बरोबरीने माहूल कोळीवाड्याचे स्टार खेळाडू मंगेश वैदी यांना मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय, गोलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे वाजिद अन्सारी यांना. कुर्ला नेहरू नगरचे खेळाडू आहेत, पाहूया कशा प्रकारची गोलंदाजी वाजिद अन्सारी म्हणजे बब्बू या ठिकाणी करतील. 12 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. या वेला खूप सुंदर फटका कव्हरच्या दिशेने, तिकडे आहेत क्षेत्ररक्षक, त्यांच्याकडून झाली चूक आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. संधी होती विकेट घेण्याची, दडपण प्रतिस्पर्ध्यांवर वाढवण्याची आणि कॅच मात्र हातातून सुटते आणि दोन धावा देखील त्या ठिकाणी अर्जित केल्या जात आहेत. मॅचमध्ये रंगत भरण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी गोलंदाज बब्बू म्हणजेच वाजिद अन्सारी यांच्याकडूनही केला जाईल आणि दुसऱ्या बाजूला फरदीन जे देखील एक युवा खेळाडू आहेत परंतु प्रचंड टॅलेंट त्यांच्याही मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. 18 धावांची आवश्यकता अजूनही. यावेळी ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल होता, त्याला लॉंग ऑफच्या दिशेने पाठवलं, एक धाव मात्र त्या ठिकाणी मिळताना पाहायला मिळेल. प्रवीणजी म्हात्रे सरांची ही जी टूर्नामेंट आहे, स्पर्धा आहे, कारण एक वेगळी स्पर्धा पाहायला मिळते, एक नाविन्य दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतं, काहीतरी नवीन. सर्वात प्रभावित करणारी गोष्ट म्हणजे इकडे शिस्त पाहायला मिळते, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर इकडे चांगलं आयोजन पाहायला मिळतं, नियोजन पाहायला मिळतं, खेळपट्टी पाहायला मिळते, मैदान पाहायला मिळतं आणि त्याहूनही वर म्हणजे या ट्रॉफीज कुठेच तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही अशा आकर्षक आणि सुबक ट्रॉफीज या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात. यावेळेला रिव्हर्स खेळले, कल्पकता दाखवली, मंगेश वैदी यांच्या बॅट मधून येतोय चौकार, 4 रन. नक्कीच शिवसेना शिवसेना आणि शिवसेना 1966 नंतर जर पाहिलं तर एक परिवर्तन पाहायला मिळालं देशाच्या राजकारणामध्ये. शिवसेना पाहायला मिळाली आदरणीय इंद्रोदय सम्राटांच्या माध्यमातून आणि तदनंतर या घराघरामध्ये ठाणे जिल्ह्याच्या शिवसेना पोहोचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर आनंद दिघे साहेबांनी केलं. या ठिकाणी एक धाव या ठिकाणी लेटकटचा फटका खेळला, एक धाव घेतली गेली, स्कोर जर पाहिला तर आता 43 वर जाईल. 12 धावांची आवश्यकता अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी. मंगेश वैदी या मॅचमध्ये की फॅक्टर राहिलेत, आतापर्यंत 3 चौकार 1 षटकार याच्या मदतीने 21 धावांची खेळी त्यांनी केली आहे. वाजिद अन्सारी या वेळेला बिग हिट, ही खासियत आहे फलंदाज फरदीन काझी यांची, त्यांच्या बॅटमधून लांब 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 खूप लांब षटकार. दिलीप पाटील सर एक अप्रतिम फटका, युवा खेळाडू आहेत, आणखीन एक बिगिट करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय परंतु क्षेत्ररक्षक तिकडे येतील आणि मॅच मधील रंगत संपलेले नाहीये. 6 चेंडू अजूनही बाकी आहेत आणि 6 धावांची आवश्यकता. थँक्यू. सन्माननीय रुबेना खान मैम यहाँ पे आई हुई है जो कि उद्योगपति है और समाज सेविका है, जिनका यथोचित सम्मान यहाँ पे इस प्रतियोगिता के आयोजक श्रीमान प्रवीण जी म्हात्रे सर इनके शुभास्ते फूलों के गुलदस्ते के साथ किया जाएगा. आदरणीय रुबेना खान मैम यहाँ पे उद्योगपति और
आदरणीय समाज सेविका है, उनका यहाँ पे फूलों के गुलदस्ते के साथ सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय आयोजक प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया रूबीना खान मैम आपका अनमोल समय देने के लिए। सिद्धेशिलक यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातो आहे, शेवटचं षटक येऊन काही होऊ शकतं। विचारे सर माझ्या बरोबरने आहेत, सर सहा चेंडू आणि सहा धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी, काही होऊ शकतं जर का सुरुवातीला एखादी विकेट घेतली, एक दोन चेंडू निर्धाव आले, मॅचमध्ये रंग मात्र या ठिकाणी भरले जातील। जी के व्हेंचर्सचा तो प्रयत्न राहील, परंतु दुसऱ्या बाजूला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय अभिषेक आंगणे पोहोचलेले आहेत मंगेश वैती यांची साथ देण्यासाठी। बिल्कुल, छः गेंदों में छः रन चाहिए, अब मैच कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट हम लोग हमेशा ही कहते हैं क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला कोई खेल है तो उसका नाम है क्रिकेट। या वेला मात्र चांगला फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला, तिकडे बॉल अडवला जातोय। नक्कीच सिद्धेशेक युवा खेळाडू आहेत, टॅलेंट आहे त्यांच्यामध्ये, क्षमता आहे, मोठ्या मंचावर खेळत आहेत। धर्मवीर आनंद दिघे चषक खेळायला मिळणं ही देखील मोठी गोष्ट आहे, कुणाचाही नंबर इकडे लागत नाहीये, ज्यांनी आपला स्वतःचा विभाग प्रभाग गाजवला आहे त्यांनाच इकडे संधी मिळते, तर सिद्ध करण्याची संधी त्यांच्यामध्ये देखील आहे। टाय झाली, मॅच टाय झाली तर सुपर ओव्हर होणार आहे, तर या ठिकाणी असा काही चमत्कार किंबहुना मॅचमध्ये आणावंच लागेल। मंगेश वैती चांगली बॅटिंग करतायत, परंतु सिद्धेचं नाव कधी होणार जर ते मंगेशला रोखणार तर? मंगेशकडे कल्पकता जरूर आहे, परंतु सिद्धेशकडे ती गोलंदाजी आहे मंगेशला रोखू शकतील, ते होणार का? ओहो, चांगला चेंडू जरूर पाहिला मी याला, हळूवार पद्धतीने बॉलला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ढकलले, एक धाव घेतली, दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला आणि अतिशय चपळाईने दुसरी धाव देखील घेतली जाते। पहा गॅपमध्ये खेळला, पाहिलं ते क्षेत्र थोडंसं दूर होते, खेळाडू हळूवार पद्धतीने या बॉलला तिकडे ढकललं जाणून बजून आणि दोन धावा पूर्ण केल्या। सर बिल्कुल बुद्धिमत्ता का क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे मंगेश वैती, वो भली भांति जानते हैं कि इस समय अगर वे विकेट गंवाते हैं तो दबाव जो है ये पूरी तरह से विक्रोलियंस के ऊपर चला जाएगा, इसलिए बहुत ही बुद्धिमत्ता का क्रिकेट मंगेश वैती यहाँ पे खेल रहे हैं और स्ट्राइक जो है ये उन्होंने अपने पास यहाँ पे रखी है। तब्येत मंगेश वैदी पुन्हा एकदा या मॅच विक्रोलियन्स विक्रोळी अमोल मात्रे अँड कंपनी या विजयाच्या दिशेने वाटचाल, परंतु या ठिकाणी पुन्हा मंगेशकडे हे मंगेशकडे आक्रम आहे, मंगेश आक्रमण आहे, मंगेशकडे संयम आहे आणि या ठिकाणी हळूवार पद्धतीने बॉलला केवळ ढकलण्याचा प्रयत्न राहिला। लेदर बॉल खूप चांगलं खेळतात, नेवल डॉक्सचं कर्णधारपद देखील ते निभावतात आणि त्याचमुळे की काय ही कल्पकता त्यांची देखील त्यांच्याकडे पाहायला मिळते। नक्कीच अग्रिकोळी प्रीमियर लीग देखील पाहायला मिळाली, त्यामध्ये संपूर्णपणे अधिराज्य मंगेश वैती यांनी गाजवलं होतं, मालिकावीराचे मानकरी राहिले। बेस्ट बॅट्समनचा पुरस्कार नक्कीच मिळाला होता, तर तेच मंगेश नॉन स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतात, परंतु स्ट्राईकवर आहेत अभिषेक आंगणे। अजूनही जर पाहिलं तर तीन चेंडू बाकी आहेत आणि दोन धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी। रचना या ठिकाणी चित्रक्षणाची बदलण्याचा प्रयत्न करतायत, आजच्या दुसऱ्या दिवसातील शेवटची मॅच आहे, उद्याचा शेवटचा दिवस, उत्कंठ प्रचंड असेल प्रेक्षकांना, कोणकोणत्या टीम्स इकडे असतील, कोणते खेळाडू इकडे असतील, तीन चेंडू आणि दोन धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी। या वेळेला लांब 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 लचक फटका येताना पाहायला मिळतोय, अभिषेक आंगणे यांच्या बॅट मधून विक्रोलियन्स विक्रोळी विजयी होत आहेत। चिकनी कमर पे तेरे मेरा दिल फिसल गया, चिकनी कमर पे तेरे मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, चिकनी कमर पे तेरे मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, जादू ये चल गया मेरा दिल फिसल गया। यहाँ पे खान मैम आई हुई है और मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैम यहाँ पे ये जो इवेंट है इसका 20वां वर्ष है और ये जो आयोजन, ये जो इतनी बड़े तमाशा आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या लग रहा है आपके मन में,
क्या बोलना चाहोगे प्रवीण दादा के बारे में और इस इवेंट के बारे में? प्रवीण सर जो है, इनका नाम बहुत सुना।